देखिए, दिनांक 14/31 को एक संदीप कुमार नाम का व्यक्ति है, उस पर दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फायर किया गया था। और इसमें पुलिस टीम, जो इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस टीम के द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम लवकुश और दूसरा रंजीत, दोनों ही कौसाम्बी जनपद के रहने वाले हैं। और इन्हीं के द्वारा ये घटना कारित की गई थी। इसमें जो मेन प्लानिंग थी वो संदीप का जो सौतेला भाई है भास्कर, उसके द्वारा ये प्लानिंग की गई थी, क्योंकि उसके फादर उसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और प्रॉपर्टी इनका डिस्प्यूट भी चल रहा है। इसी के चलते इसने इन दोनों शूटर्स को हायर किया 50,000 रुपये में, और इसके द्वारा ये पूरी प्लानिंग की गई थी। जो अभियुक्त हैं, इनसे जो बरामद हुआ है उसमें एक अवैध तमंचा इनसे बरामद हुआ है, और जो घटना में यूज बाइक थी, और 3 मोबाइल फ़ोन इनसे मिले हैं। देखिए, अभी तक इनका जो डिटेल्स निकलवाए हैं उसमें कोई भी अपराधी का इतिहास इनका संज्ञान में नहीं आया है।